नमस्कार दोस्तों, टेस्टी फूड विद रिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ दो कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी चटपटा कुरकुरा नाश्ता, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, बारिश का मौसम है, ऐसे में चटपटा और टेस्टी खाने का सभी का मन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने दो बड़ी साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं। मैंने दो से तीन लोगों के लिए ये परफेक्ट नाश्ता बनाकर तैयार किया है। इनको छीलकर अच्छे से पानी में डिप करके रखा था, जिससे इनका कलर चेंज ना हो, और इन्हें अब बारीक वाले ग्रेटर से हमें ग्रेट करना है, और इन्हें पानी में ही ग्रेट करना है जिससे इनका कलर चेंज ना हो। नहीं तो ये जैसे ही हवा लगेगी तो कलर चेंज करने लग जाएंगे और ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो मैंने इन्हें पानी में ही अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और अब इन्हें हमें दो तीन पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, जब तक कि इनका ये वाइट वाइट पानी ना निकल जाए। तो तीन चार बार पानी से मैंने अच्छे से धो लिया है, एकदम क्लीन हमारे लच्छे दिख रहे हैं। अब इन्हें हमें अच्छी तरीके से निचोड़ना है। आप चाहें तो इन्हें कपड़े में डालकर अच्छी तरीके से पोटली बनाकर निचोड़ें, जिससे इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे, नहीं तो हमारा डो है वो हल्का सा पतला हो जाएगा और हमें इसमें बाइंडिंग की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो अब मैंने इसमें ऐड किए दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डालना है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैंने लिया है यहाँ लच्छे में कटी हुई मीडियम साइज़ की एक प्याज। प्याज का क्रंच बहुत ही टेस्टी लगेगा इस नाश्ते में। इस तरीके से लच्छों को हमें खोल खोल कर डालना है, जिससे लंबाई में अच्छी तरीके से दिखें। और आधा चम्मच डाला है मैंने साबुत कच्चा जीरा, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और 1/4 चम्मच डाला है मैंने हल्दी पाउडर कलर के लिए। एक पिंच में इसमें हींग डाल रही हूँ, जिससे डाइजेशन में भी अच्छे से मदद करेगी और फ्लेवर भी इन्हेंस करेगी। और एक चम्मच भर के डाला है मैंने धनिया पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए 4 छोटी चम्मच बेसन। बेसन हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालें। हमें बहुत कम बेसन की आवश्यकता होगी अगर आप अच्छी तरीके से आलू के लच्छों को निचोड़ कर लेंगे। अगर मॉइस्चर रह जाएगा तो इसमें बेसन ज़्यादा लगेगा और टेस्ट में वो हमारे जो नाश्ता बनेगा वो बेसन का फ्लेवर ज़्यादा देगा। तो देखिए इतना परफेक्ट है। एक चम्मच मैंने और ऐड किया है, टोटल मैंने इसमें 5 चम्मच बेसन यूज किया है। आप चावल का आटा यूज कर सकते हैं, अगर बेसन नहीं है तो चावल को अच्छे से ग्राइंड कर लें, अच्छा सा बारीक पाउडर बना लें, उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बनता है। तो डो को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हाथ अच्छे से मैंने साफ़ कर लिए हैं, और इस तरीके से जितनी शेप में आप ये नाश्ता बनाना चाहते हैं उतना डो लें और इसे दोनों हथेलियों के बीच रखकर इस तरीके से पहले बॉल्स के रूप में बनाएं, फिर इसे एक टिक्की का शेप दे दें। आप चाहें तो इसे बॉल्स के रूप में भी फ्राई कर सकते हैं, मैं इसे टिक्की का शेप दे रही हूँ। इसी तरीके से ये हम ये नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार होगा। और इसी तरीके से मैं दूसरी टिक्की भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, आप ट्रायंगल में बना सकते हैं, बॉल्स के रूप में बना सकते हैं, टिक्की के रूप में, जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ही चाव से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार होगा। सारी टिक्कियाँ मैंने इस तरीके से बना ली हैं। यहाँ फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल पहले ही गर्म होने रख दिया था, मैं इन्हें सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकती हैं। और धीरे धीरे करके हमें एक एक टिक्की इसमें ऐड करनी है, जितनी एक बैच में हमारी आ जाती हैं। और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे उलटते पलटते हुए अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक सेक कर तैयार करना है। तो एक साइड से हमारी हल्की सी ये टिक्कियाँ सिक गई हैं, तो दूसरी साइड से भी हमें इसे पलट देना है। तो देखिए इस तरीके से पलटते हुए हमें अच्छी तरीके से, जब तक इन पर गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक सेकना है, और धीरे धीरे इस तरीके से पलटते हुए रहना है। और एक साइड से बहुत ज़्यादा जल ना जाए, इसलिए आप एक एक मिनट के बाद में इसे ट्रांसफ़र इस तरीके से करते रहिए। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है, इतना ही हमें इसे सेक कर तैयार करना है। अब इसे हमें चम्मच की सहायता से ऑयल को निकालते हुए दूसरी प्लेट में निकाल लेना है, और दूसरा बैच भी हमें सेम प्रोसीजर में ये फ्राई करके तैयार करना है। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर हमें गैस को रखना है, और हल्का सा टेम्परेचर कम होते ही हमें टिक्कियाँ इसमें ऐड कर देनी है, और फ्लेम को थोड़ी देर लो रख के टिक्कियाँ जैसे ही डाल दें उसके बाद मीडियम कर दें। और इस तरीके से एक साइड से सिकने के बाद दूसरी साइड से पलटते हुए अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आने तक ऐसे ही हमें सेक कर तैयार करना है। तो दूसरा बैच भी हमारा फ्राई होके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, कुरकुरा नाश्ता हमारा बनकर इंस्टेंट तैयार है। आप इन्हें किसी भी चटनी, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इन्हें चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो स्नैक्स के रूप में, सुबह शाम चाय के रूप में भी इन्हें बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।